यहाँ आने के बाद में मुझे काफ़ी सुकून मिल रहा है, तो आप भी आए, आपको भी काफ़ी अच्छा लगने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मैं आ गया हूँ पटना साहिब गुरुद्वारा पे, तो चलिए अंदर की ओर चलते हैं। और ये बाहर से कुछ इस तरीके का दिखता है, अंदर चलने के बाद में किस तरह से दिखता है, तो वीडियो पे आप पूरा बने रहे। चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को घंटे को दबा दें, ताकि इसी प्रकार का वीडियो मेरा आता रहता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलते हैं गेट के अंदर, बड़ा सा गेट है, आप देख सकते हो। जैसे ही अंदर आप जाओगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखता है, तो देखते चले। तो पहले यहाँ पे दो तीन चीजों पे आपको ध्यान रखना है। पहले तो अपने जूते को या सैंडल को यहाँ पे रख देना है, जमा करना है। जमा करने के बाद में आपको टोकन दे दिया जाएगा, और काफ़ी मतलब कि बढ़िया चीज़ है। जूता आप एकदम दे दीजिए, वो लोग प्यार से रख लेते हैं जूते को या सैंडल को। फिर आइए, टोकन दीजिए, अपना जूता और सैंडल लेकर जाइए, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग होगा, फिलहाल अभी मशीन ऑन नहीं है, तो यहाँ पे चेक किया जाएगा। उसके बाद में जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जो नीचे है आपको दिखा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आपको अपना सर को ढकना होगा, रुमाल से आपको बांधना होगा, ठीक है। यहाँ पे रुमाल मिल जाएगा, अगर आपके पास है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ का रुमाल ही आप यूज करें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे नीचे की तरफ देख रहे हो, यहाँ पे पूरा पानी है, तो आपको तीसरा नंबर क्या करना है कि अपने पाँव को वॉश करना है, पाँव को धो लेना है बढ़िया से, ठीक है। यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो पूरा गुरुद्वारा का लुक कुछ इस तरीके का दिखता है, देख सकते हो काफ़ी। और ये हम 6:30 के बीच में आए हैं, काफ़ी लाइटिंग चालू हो चुका हुआ है। थोड़ा और लेट करके आएंगे तो और ज़्यादा आपको लाइटिंग देखने को मिलेगा, काफ़ी बढ़िया लाइटिंग किया गया है यहाँ पे, और इतना सुकून मिलता है, आप एक बार आकर देखिए। यहाँ पर एक नहीं, सब कोई ही आता है, कोई एक नहीं, हर कोई यहाँ आता है। आप इस वीडियो में देखेंगे तो आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ पटना का ही लोग आता होगा या बिहार का ही आता होगा, यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया का हर लोग ही आता है, हमेशा ही आना जाना बना रहता है। काफ़ी भीड़ यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, काफ़ी लोगों का आना जाना बना रहता है, काफ़ी लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो आप भी आ सकते हैं, अगर आप बिहार में नहीं भी हो तो कहीं भी हो, पटना साहिब गुरुद्वारा आप एक बार जरूर आए, आपको काफ़ी सुकून मिलने वाला है यहाँ आने के बाद में। एक बार आप जरूर आए, आने के बाद में यहाँ से आपको जो मतलब सुकून है ना, मैं बयां नहीं कर सकता, जो मुझे अभी मिल रहा है, तो आप यहाँ जरूर आए। थोड़ा सा बात कर लेते हैं पटना साहिब गुरुद्वारे के बारे में। सिखों के 10वें और अंतिम धर्म गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म यहीं पे 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। सिख धर्म के 5 प्रमुख तख्त में दूसरा तख्त श्री हर मंदिर जी पटना साहिब है। सिखों का आखिरी गुरु जी का ना केवल यहाँ जन्म हुआ था, उनका बचपना भी यहीं गुजरा था। यही नहीं, सिखों के और 3 गुरुओं का चरण भी इस धरती पे पड़े हैं, इसलिए देश और दुनिया में काफ़ी आस्था का केंद्र रहा है, और यहाँ लोगों का लोग हमेशा से जुड़े हुए हैं, काफ़ी आस्था जुड़ा हुआ है यहाँ से। भारत में कई ऐतिहासिक गुरुद्वारे की तरह श्री हर मंदिर जी गुरुद्वारा का निर्माण महाराजा रंजीत सिंह द्वारा किया गया था। तो अब पटना साहिब गुरुद्वारा जरूर है, यहाँ पे सिर्फ सिख लोग नहीं, काफी लोग आते हैं, सबका आस्था यहाँ से जुड़ा हुआ है। आप भी आए, आपको काफी अच्छा लगने वाला है यहाँ आकर। अगर आप बिहार आ रहे हैं तो कम से कम एक बार तो आप पटना साहिब गुरुद्वारा जरूर आए। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को घंटे को दबा दें। वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों में लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो एक बार हम लोग चारों तरफ घूम लेते हैं, देखते हैं कि किधर किधर किस तरह का दिखता है। और मैं थोड़ा जल्दी में था इसलिए ज़्यादा टाइम यहाँ रुका नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से आप जब भी हम पटना आएंगे तो यहाँ पर ज़रूर आएंगे, ताकि आपको हर चीज क्लियर जानकारी मिले। तो ये सब देख सकते हैं, इधर ही काम चल रहा है।
ये देख सकते हैं इसको बनाया जा रहा है पूरा ही बढ़िया तरीके से। तो काफी एक मतलब काफी अच्छा लगता है, एकदम बढ़िया लगता है काफी। और यहीं से जब लेफ्ट साइड की ओर आप जाओगे तो आपको लंगर दिख जाएगा। फिर से हम लोग इधर चलेंगे, हम लोग लंगर अभी नहीं जा रहे हैं। इधर भी काम चल रहा है, ये वीडियो एक महीना डिले होके आ रहा है। मैं मार्च में गया था, हाँ मैं मार्च 8-9 तारीख के आसपास यहाँ पे गया हुआ था, लेकिन ये वीडियो आपको अप्रैल में आ रहा है।